नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की खूबसूरती देखी और उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। ये दावा है शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट का। इस दावे को सुनने के बाद राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भड़क गए और फिर उन्होंने भी पलटवार किया। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या पलटवार किया वो जाने, उससे पहले जान लीजिए कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल शिवसेना ठाकरे समूह पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ठाणे में हिंदी भाषी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए शिंदे समूह पर हमला किया और इसी मंच से ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी शिंदे गुट के विधायकों के बयानों पर पलटवार किया। दरअसल एक नाथ शिंदे गुट के विधायक ने बड़ा बयान दिया, बड़ा दावा किया और जिसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी भड़क गई। उन्होंने क्या दावा किया, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, प्रियंका चतुर्वेदी ने ठाणे की एक सभा में अपने भाषण में कहा कि गद्दारों को कोई माफी नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी असल में कांग्रेस की प्रवक्ता थी, वहां से वह शिवसेना में शामिल हो गए। उस वक्त हमारे वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खेरे ने बहुत ही भयानक बयान दिया था। संजय शिरसाट ने कहा, खैर ने कहा था कि आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की खूबसूरती देखी और उन्हें राज्यसभा सीट दे दी। अब इसी बयान पर आग बबूला होकर प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके जवाब दिया है, मुझे यह बताने के लिए किसी गद्दार की जरूरत नहीं है कि मैं कैसी दिखती हूँ और मैं जहाँ हूँ वहाँ क्यों हूँ। जिसने 50 बक्सों के लिए अपनी आत्मा और ईमानदारी बेच दी, संजय शिरसाट राजनीति और महिलाओं पर अपने विचारों में व्यापक बीमारी का एक आदर्श उदाहरण है। वह निश्चित रूप से अपनी टिप्पणियों के माध्यम से अपनी अश्लील चरित्र प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बीजेपी ने उन्हें अपने साथ रखा है। अब शिंदे गुट के विधायक के इन दावों पर और प्रियंका चतुर्वेदी के इन पलटवार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।